लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बिन बारिश के ही डूब रही बिहार के गोपालगंज में किसानों की फसल। गोपालगंज में डूबी किसानों की फसल। बिहार के गोपालगंज में किसान जहां एक तरफ बारिश नहीं होने से सूखे की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गंडक के दियारे इलाके के किसान गंडक के जल स्तर के बढ़ने से अपनी फसलों की तबाही से परेशान है। दरअसल नेपाल में हो रही बारिश से गंडक में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ने की वजह से तटबंधों पर गंडक का दबाव तो बढ़ा ही हुआ है, साथ ही गंडक के नीचे वाले इलाके में सैकड़ों एकड़ में लगी मक्के और गन्ने की फसल पानी में डूब गई है। गंडक में कई एकड़ फसल के डूबने से सबसे ज्यादा नुकसान मक्के की फसल पर पड़ रहा है। यहाँ कुचायकोट प्रखंड के विशंभरपुर, काला मट्टी, हिनिया, धूप सागर सहित दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां के किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल तटबंध की दूसरी तरफ गंडक के नीचे वाले इलाके में है। विशंभरपुर थाना के फुलवरिया गांव के 60 वर्षीय किसान अली मोहम्मद बताते हैं कि उनके पास महज एक बीघा खेत है। इस खेत में वे करीब 20 कट्ठे की जमीन पर मकई की खेती किए हुए हैं, लेकिन गंडक में जल स्तर बढ़ने की वजह से उनकी मक्के की फसल पानी में डूब गई है। पानी की वजह से उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। वे अपनी मकई की फसल को समय से पहले काट रहे हैं ताकि उसका चारा पशुओं के काम आ सके। गंडक के नीचे वाले इलाके में रहने वाले दर्जनों गांवों के किसानों की कमोवेश यही हालत है। हालांकि जिले के दूसरे इलाके के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। यहां समय से बारिश नहीं होने की वजह से धान की फसल सूखने लगी है, जिसकी वजह से इस बार गोपालगंज में अकाल की साया मंडराने लगा है।